ऑलराइट, इस वीडियो में हम फाइनली क्रिएट करने वाले हैं ब्लेंडर के अंदर एक कार का कंप्लीट सीजीआई वीएफएक्स सीन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेरा नाम है रजत, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वीएफएक्स वर्ल्ड में। ये एक सीन मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप लोगों ने इसका टीजर देखा, होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी बात पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसको हम करने वाले आज रिक्रिएट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करने वाले एक न्यू सीन का स्टार्ट। सो आप क्लोज कर सकते हो या फिर आप कंप्लीटली फ्रेश न्यू सीन यहाँ से ओपन कर सकते हो। सो जैसे आप पहली बार ब्लेंडर ओपन करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। बाहर कहीं पे भी क्लिक करो, ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। देन प्रेस ए फॉर सिलेक्ट ऑल, देन डिलीट, मतलब कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो जो एसेट्स यूज करने वाला हूँ कंप्लीटली ब्लेंडर के अंदर ही आपको मिलेगा, वो भी 100% फ्री में। तो कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे टूल बार पे, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन दैट इज कॉल्ड ब्लेंड किट। तो इसको लाने का शॉर्टकट है फ्रॉम एडिट, यहाँ से जाना पड़ेगा प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आपको मिलेगा एडऑन्स, यहाँ पे जाके आप सिंपल सर्च करो ब्लेंडर किट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये ब्लेंडर किट का एसेट लाइब्रेरी, तो सिंपल चेक ऑन करना है। अगर आपको ये नहीं दिखा तो सिंपल इसका साइट पे जाओ ब्लेंडर का, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं क्लोज। अभी ये जो है ब्लेंडर किट, यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ एसेट्स मिलेगा यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च करूंगा BRIDGE, मतलब ब्रिज, एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपको कुछ एसेट्स जो है देखने को मिलेगा। तो ये एसेस कंप्लीटली कुछ फ्री है, कुछ यहाँ पे पेड होगा ऑब्वियसली। तो जो लॉक होता है उसको आपको लॉग इन करके पे करके आपको यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक ब्रिज का जो मॉडल है वो ले लेता हूँ, जो कि है ये वाला। तो सिंपल आप क्लिक करो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके ऐसे डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअल में बहुत स्मॉल है, सो अब यहाँ पे ए प्रेस करो मतलब ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम इसको करने वाले हैं स्केल, तो हम एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल मोड पे आ जाएगा। देन हम 1010, मतलब हम इसको 10 टाइम्स बिगर करने वाले हैं, एंड देन क्लिक एनीवेयर, तो ये कंप्लीट डिसलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इस ब्रिज को इसीलिए लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो लाइट्स वगैरह है यहाँ पे लगा हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आप इसको नाइट सीन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिर्फ लाइट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इट्स योर विश। तो अभी हम ये ब्रिज का जो मॉडल है इसको हम करने वाले हैं डुप्लीकेट। तो सिंपल इस कलेक्शन का से क्रॉस करके डुप्लीकेट कलेक्शन कर दो, ताकि कंप्लीट इसके अंदर जो भी एसेट्स है वो सब हो जाए डुप्लीकेट। तो अभी इसको सिंपल सिलेक्ट करो और ऐसे बाहर की तरफ ऐसे पुश कर दो, और मेक श्योर दोनों का जो मर्जिंग पॉइंट है ना वो एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। तो अब देख सकते हो कुछ ऐसे यहाँ पे इसका मर्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। ब्रिज बनने के बाद अभी हम करेंगे काम कार पे, तो यही एक्चुअली इसका पूरा मेन मोटिव। तो यहाँ पे सिंपल कार टाइप करके एंटर मारो तो आपके पास कार का बहुत सारा मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे यहाँ पे कोई भी एक चूज करो जो कि आपका पसंदीदा है। सो लास्ट टाइम मैंने दूसरा कोई कार यूज करा था, इस टाइम मैं ये वाला रेड वाला कार को यूज करूंगा, मतलब इसका लुक इज टू प्रीमियम। तो सिंपल इसको सिलेक्ट, ड्रैग, और अपने सीन में कहीं पे भी आप इसको बस ऐसे ड्रॉप करके छोड़ दो तो डाउनलोड हो जाएगा। तो कार का मॉडल को आपको स्नैप करने के लिए बेसिकली आप मेन मॉडल का से सिलेक्ट करो, एंड देन नम पैड में डॉट को जैसे आप क्लिक करोगे समथिंग लाइक दिस, तो ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा आपके सीन के साथ। तो अभी देख सकते हो ये कार जो यहाँ पे आ गया है, लेकिन साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसको स्केल अप करने के लिए सिंपल मॉडल को सिलेक्ट करके एस प्रेस करो तो स्केल मोड पे आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे इसको स्केल 3 पत्थर, मतलब 1, 2, 3 इस नंबरिंग के हिसाब से मैं स्केल करूंगा। तो 3 प्रेस करोगे तो ये कुछ ऐसा आपको स्केल हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे इसको स्केल करो, ना कि ग्रेजुअली स्केल करो, तो ये बेटर है, आपको अप्रॉक्सीमेटली और अप्रोप्रिएट आउटपुट जो यहाँ पे मिलता है। ऑलराइट, जैसे आपका कार जो है वो स्केल अप हो जाता है, अभी आते हैं व्हील्स पे। व्हील्स का एनिमेशन जो है आपको मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको सिंपल व्हील्स को जाके यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम जो है अंदर का जो व्हील का जो मेन वो क्या कहते हैं, मुझे कार के बारे में ज़्यादा पता है नहीं, उसी को रोटेट करने वाले हैं। और इस साइड का मतलब इस साइड का दो व्हील्स को रोटेट करेंगे, क्योंकि बैक साइड जो है विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रोटेशन है, तो आप रोटेट भी कर सकते हो। सिंपल टूल्स पे जाओ, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शंस मिलेगा, व्यू वगैरह एवरीथिंग इज हियर, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल इसके एक्स एक्सिस रोटेशन पे से क्लिक करो, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन डालने वाले सेम लाइक अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो हैशटैग एंड देन फ्रेम एंड देन ये फॉरवर्ड ऐसे जाएगा, तो माइनस मैं यहाँ पे 200 रखता हूँ एंड देन प्रेस एंटर। तो अभी अगर आप इसको प्ले करोगे आप देख सकते हो व्हील्स जो है फॉरवर्ड की तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है। तो कार का मूवमेंट के लिए हम बेसिकली कार का मेन मॉडल को जो है एकदम सिलेक्ट करेंगे समथिंग लाइक दिस, और इसका मूव टूल में आएंगे, इसको फिलहाल अभी बैक साइड में ऐसे मूव कर देंगे कुछ ऐसे, एंड मेक श्योर सेव करते रहना, कभी भी क्रैश हो सकता है क्योंकि अभी मॉडल जो है ज्यादा हैवी हो चुका है। तो इसको पहले ऐसे फर्स्ट फ्रेम पे लेके आ जाओ, यहाँ पे आप एंडिंग फ्रेम सेट कर दो। मैं यहाँ पे सपोज 350 फ्रेम्स रख रहा हूँ, जैसे इसका लोकेशन होता है, जैसे आप यहाँ पे आई प्रेस करोगे तो आपको देखा लोकेशन रोटेशन। तो मैं यहाँ पे लोकेशन रोटेशन स्केल कस्टम प्रॉपर्टीज में से सिर्फ लोकेशन रोटेशन एंड स्केल को जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना, आप यहाँ पे देख सकते हो की फ्रेम जो है आराम से गिर चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप सीधा एकदम लास्ट फ्रेम पे चले जाओ और जो आपका कार का मोशन है उसको खींच के एकदम मतलब लास्ट तक ड्रैग कर दो। और यहाँ पे भी आपको की फ्रेम डालना, तो सेम आई प्रेस करो लोकेशन रोटेशन एंड स्केल। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दो की फ्रेम्स
आपको यहाँ पे दिखेगा, बट मेक श्योर की फ्रेम का जो आपका की फ्रेम हैंडल्स है मतलब इंटरपोलेशन मोड है उसको आपको करना है लीनियर, ताकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हो। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे इनका जो की फ्रेम का जो पोजीशन है ना थोड़ा सा इसको बैक एंड में पुश कर दूंगा, उसका एक रीजन है जो एनिमेशन है वो अब लगे नहीं कि जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमेशा की फ्रेम्स को जो है बैक एंड में थोड़ा पुश कर दो, वो बेटर आउटपुट देता है। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो आपका जो की फ्रेम एनिमेशन हो चुका है, तो अगर आप कार को यहाँ पे बीच में लेके आते हो ये कार एनिमेशन जो है वो एकदम प्रॉपरली चल रहा है। अब व्हाट नेक्स्ट, कैमरा एनिमेशन, इसके साथ कैमरा को जो है आपको फिट करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे सपोज 50 नंबर फ्रेम पे आता हूँ, कार को सिलेक्ट करता हूँ एंड सेम नमपैड में यहाँ पे आपको क्लिक करूंगा तो क्विक एकदम स्नैप हो जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे आपका जो कार का मेन पोजीशन है, जो आपका कैमरा मेन एंगल है, वहाँ पे इसको सेट करो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लो एंगल पसंद करता हूँ, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ आपको यहाँ पे एक न्यू कैमरा जो है लेना है, तो कैमरा लेने के लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट ए, यहाँ पे आ जाएगा एंड देन यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कैमरा। तो सिलेक्ट, जैसे ही आप देखोगे कैमरा तो आ गया है, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये व्यू चाहिए, तो शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एंड नम पैड का 0। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो सीन जो यहाँ पे स्नैप हो गया है। अब इसको मूव करने के लिए कैमरा एंगल को सेट करके शिफ्ट एंड देन जो एस्केप का नीचे का जो बटन है उसको क्लिक करो एंड देन माउस को अगर आप मूव करते हो तो आप यहाँ पे कंप्लीट सीन को जो एडजस्ट कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, शिफ्ट एंड वही बटन को क्लिक करके आप डब्ल्यू एस वगैरह जो भी है क्लिक करो, डब्ल्यू ए एस डी लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हो इसको, स्क्रीन को आप एडजस्ट भी कर सकते हो वो भी अपने कस्टम प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ओके भैया, कैमरा यहाँ पे सेट हो गया, अब करते हैं कैमरे में एनिमेशन, बट उसके पहले कैमरे को जो है कार के साथ आपको पेरेंटल मतलब नल ऑब्जेक्ट के साथ सेट करना है, तो उसका भी शॉर्टकट बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो पहले कैमरे को ऐसे ओपन करो, कैमरे का यहाँ पे जो कैमरा उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे जो आपका कार है उसको भी सिलेक्ट करो, दोनों ऐसे हो गया सिलेक्ट एंड देन स्क्रीन पे आओ एंड देन कंट्रोल पी फॉर पेरेंटल। तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हम सिंपल करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म। एंड नाउ यू कैन सी आपका जो कैमरा है वो एकदम कार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इसका रीजन एक ही है कि पूरा कार में कोई मोशन ब्लर नहीं दिखेगा, लेकिन बैक एंड पे आपको मोशन ब्लर दिखेगा। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा कैमरे को जो एनिमेशन करने वाला हूँ, तो सिंपल कैमरे को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, एक की फ्रेम जो यहाँ पे डाल देंगे। तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे आई को प्रेस करो एंड कैमरा रोटेशन वगैरह कस्टम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे की फ्रेम यहाँ पे डाल दो फॉर सेफ साइड, क्योंकि आपका फर्स्ट इनिशियल की फ्रेम से। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, सपोज 110 शिफ्ट और वो ऊपर का बटन को जो है क्लिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे जो है इसका पोजीशंस को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ, सपोज लाइक है अब तो थोड़ा बाहर चले जाए, आई वांट कि थोड़ा बाहर से ऐसे व्यू करे समथिंग लाइक दिस एंड देन यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे एक और की फ्रेम आ गया, तो अब बेसिकली आप देख सकते हो कैमरा जो है कुछ ऐसे पास थ्रू होके इसके यहाँ पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जस्ट लाइक दिस। ओके, अब मैं चाहूंगा एकदम लास्ट फ्रेम पे जहां पे मैं चाहता हूँ फाइनल इसका जो कैमरा है यहाँ पे चेंज हो जाए, तो इसके लिए मैं सिंपल सेम मेथड को यूज करूंगा एंड देन कैमरा जो है हमारा समथिंग यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी की फ्रेम जो है आ गया है। अभी अगर आप कैमरे को ऐसे मूव करते हो, नाउ यू कैन सी ये पूरा कार के साथ ऐसे एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा मतलब कंक्रीट के अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे हम एक और की फ्रेम को जो है वो यूज़ करने वाले हैं ताकि जो कैमरा है वो थोड़ा एडजस्ट हो जाए प्रॉपरली कुछ ऐसा। ऑलराइट, तो फाइनली यहाँ पे एनिमेशन मैंने एडजस्ट कर दिया है और ये देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके बाद का, इसके बाद आता है अभी इसका रेंडरिंग प्रोसेस। मॉडलिंग हो गया है, टेक्सचरिंग इज ऑलरेडी प्रीमेड, तो अभी आते हैं इसका एनवायरमेंट एंड लाइटिंग एंड ऑल्सो द रेंडरिंग एंड टेक्सचर्स। तो भैया उसके आगे बढ़ने से पहले पहले तो इसका कुछ रेंडर सेटिंग्स को करना पड़ेगा चेंज। तो फिर देख, जैसे ही आप देख सकते हो रेंडर इंजन ईव में है, तो इसको करना पड़ेगा पहले साइकल्स एंड देन डिवाइस मोड जीपीयू से करो जीपीयू कंप्यूट, मतलब सीपीयू से करो जीपीयू कंप्यूट। अब यहाँ पे आता है व्यू पोर्ट मैक्सिमम सैंपल्स, भाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंपल हम कर देते हैं सपोज 26, ज़्यादा सैंपल्स नहीं चाहिए वरना यह क्रैश हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे डीनॉइस को भी हम ऑन कर सकते हैं फॉर व्यू पोर्ट, बट यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, अगेन क्रैश हो सकता है। रेंडर का मैक्सिमम सैंपल्स में 86 रख रहा हूं एंड मेक श्योर डीनॉइस जो यहां पे ऑन होना चाहिए एंड मेक श्योर डीनॉइस का जो पासेस है वो ऑप्टिक एक्स होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहां पे जो है मोशन ब्लर, यहां पे आपको मोशन ब्लर को भी ऑन करना पड़ेगा एंड अगर आप चाहते हो कैमरे में डेप्थ ऑफ फील्ड वो भी आप कर सकते हो। सिंपल कैमरे को सिलेक्ट करो और कैमरा प्रॉपर्टीज में आपको यहां पे डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इसको चेक ऑन करो। अब आता है यहां पे डेप्थ ऑफ फील्ड कहां पे है, तो उसके पहले एफ स्टॉप को हम कर देंगे 1.2, बहुत ही ज्यादा प्राइम लेंस का रेंडर में यहाँ पे दिखाने वाला हूं। फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर है, लेकिन मैं यहां पे इसको कम करके 36 कर दूंगा ताकि थोड़ा वाइड यहां पे दिखे। तो बेसिकली वाइड में क्या होता है, आपको ज्यादा मैक्सिमम व्यू यहां पे देखने को मिलता है कुछ ऐसे, जैसा आप यहां पे एनिमेशन को जो है
मतलब एंजॉय कर सकते हो। बट हाँ, वहाँ पे क्या होता है, आपको मैक्सिमम एरिया दिखता है, तो कभी कभी किसी किसी को वो चीज़ थोड़ा अनॉइंग लगता है, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसे ही रखना पसंद करूँगा। नाउ आते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड में। मैं फिलहाल अभी क्या करूँगा, जो इसका डिस्टेंस है इसको एडजस्ट करूँगा, बट उसके पहले व्यू पोर्ट डिस्प्ले में यहाँ पे लिमिट्स को जो ऑन कर दूंगा। अभी ये लिमिट बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका फोकस एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो सिस्टम पे अगर आप डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करते हो ना, तो आपको यहाँ पे जो फोकस का जो डेप्थ है वो आगे पीछे चेंज होता रहता है। बट डेप्थ ऑफ फील्ड को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वाले मोड पे, जो कि व्यूपोर्ट शेडिंग वाला मोड। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, अभी आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा। थोड़ा वेट करोगे तो यहाँ पे आपको टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था, वेट किया, यहाँ पे रेंडर्स का जो टेक्सचर आ चुका है, अभी ये थोड़ा स्मूथली काम करेगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करो एक बार और, कंट्रोल है सेव कर लेते हैं, भैया कभी भी क्रैश हो सकता है। और यहाँ पे अभी हम डेप्थ ऑफ फील्ड को जो ऐसे जैसे आप देख सकते हो एडजस्ट कर लेंगे, तो समथिंग मैं चाहता हूँ बैक एंड में जो इसका फोकस ऐसे सेट रहे। एंड मेक श्योर आप आगे आगे जाके भी चेक कर लेना कि आपका जो फोकस है वो कार के साथ है या नहीं। ऑलराइट, तो हमारा कार देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ कमिंग टू द रेंडरिंग पार्ट, कंट्रोल एस सेव वंस अगेन। अभी हम आते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट पे, तो यहाँ पे इसको क्लिक करो, ये वाला ऑप्शन को। यहाँ पे आता है बैकग्राउंड, जो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके यहाँ से ले लेंगे। बहुत सारे यहाँ पे टेक्सचर आपको दिख सकते हो, तो यहाँ से हम यूज करेंगे एनवायरमेंटल टेक्सचर। इसको जैसे आप लोगे यहाँ पे आ जाएगा ओपन का बटन, सिंपल इसको सिलेक्ट करो और आपका जो भी पसंदीदा HDRI आपके पास है पहले से वो यहाँ पे ले लेते। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे HDRI है, बट मेरा पसंदीदा एक HDR है जैसे संघाई बर्न्ड वगैरह। तो ओपन इमेज करोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे HDRI जो है इम्पोर्ट हो जाएगा। HDRI को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसका रेंडरिंग पे, मतलब जहां पे आप इसको लाइफ साइकल्स मोड पे रेंडर देख सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो एनवायरमेंटल टेक्सचर लाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको नाइट सीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इजी है कन्वर्ट करना, तो सिंपल इसका जो स्ट्रेंथ है ना, इसको मैं कर दूंगा 0.05। तो ये जो लाइट से कंप्लीटली डिम हो जाएगा, बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक मतलब सनसेट वाला लाइट दिखेगा। और आपको स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो लाइट्स यहाँ पे है, मतलब इसका जो जो ब्रिज में ये जा रहा है वो लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे सिंपल गिर रहा है। अब लाइट्स का रिफ्लेक्शन और लाइट का कलर इंटेंसिटी सब बहुत कम है, उसको इंक्रीज करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो सिंपल आप जो इसका ब्रिज है उसको ओपन करो, नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे जो सपोर्टेड बीम्स जो है यहाँ पे दिखेगा, अलग अलग लैंप्स दिखेगा। तो यहाँ पे इसका टेक्सचर मोड पे आओ, तो यहाँ पे आपको टेक्सचर में ना आपको लैंप का ये लाइट मिलेगा। सिंपल इसको इंक्रीज करके 10,000 कर दो, तो देखो लाइट की इंटेंसिटी एक झटके में बढ़ जाएगा। तो सिंपल अभी ये देखो लाइट बहुत ज्यादा है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीटली बहुत अमेजिंग दिख रहा है, लेकिन ये फाइनल आउटपुट नहीं है। तो इसके लिए आप सिंपल रेंडर में जाके एक बार रेंडर इमेज ऑप्शन को मतलब F12 को ऑन करके आप फाइनल कैसा ये आउटपुट आ सकता है उसका एक झलक आप देख सकते हो। जरूर बार बार रेंडर करके चेक कर लेना। तो रेंडर करने के बाद ये भैया कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम करने वाले थोड़ा बहुत कॉम्प का चेंजेस, तो हम यहाँ पे से सीधा चले जाएंगे कंपोजिटिंग मोड पे। यहाँ पे करेंगे यूज नोड्स को ऑन। अब यहाँ पे देख सकते हो ये नोड यहाँ पे आ चुका है। नाउ अगेन शिफ्ट है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे VIEWER व्यूअर, सिलेक्ट यहाँ पे करके इमेज को यहाँ पे कर देंगे कनेक्ट, ताकि हम बैकग्राउंड में इसका व्यूअर को देख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके सिंपल ऐसे क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता है। नाउ ये जो लाइट्स आप बैकग्राउंड पे देख सकते हो ये भी आप चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा डिफरेंट फ्रेम पे जाता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझा पाऊं कि हम करने क्या वाले। तो यहां पे हम यूज करेंगे ग्लेयर को, सिंपल शिफ्ट ए एंड देन सर्च बार में जाके हम टाइप करो GLARE ग्लेयर, तो यहाँ पे आ गया ग्लेयर। इसको इसके बीच में रख दो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्लेयर्स है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि लिटरली अमेजिंग है। रोटेशंस को मैं कर देता हूँ 2 पे सेट और इसका जो स्ट्रिक्स है इसको मैं कर दूंगा 2, तो कुछ ऐसा दिखेगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ये बहुत डिसेंट सा है। बस भैया हमारा काम हो गया है खत्म। अब अगर आप चाहो तो इसका इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, अगर आप लेआउट में जाते हो वापस से और सिंपल आप चेंज कर सकते हो। एनवायरमेंट पे जाओ, यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ को अगर आप 2 कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली सीन जो है वो चेंज होकर डे लाइट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एक ही सीन को डे लाइट पे और लो लाइट मतलब नाइट लाइट पे भी कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजी तरीके में। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे रेंडर को जो है सिलेक्ट करके रेंडर एनिमेशन कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। CC वगैरह करो Adobe After Effects में लेके जाके, जहाँ पे मैंने भी किया है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आया लगा है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करो आपका थॉट और इस वीडियो को लेके, और किस टाइप का वीडियोज आप पसंद करोगे ब्लेंडर का मेरे चैनल से, डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मैं सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। मेरे साथ मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्दी विद सम न्यू अमेजिंग मोर कंटेंट। तब तक के लिए घर पर रहो, सेफ रहो, देखते रहो PFX World. Bye.